बाएं हाथ से पैर नहीं छूते यार। ये अरे पूरा बोलो यार, हैप्पी बर्थडे प्रिंस एंड आंटी। आंटी भी काटी ना मेरे पे, क्या है नहीं है ना। चलो आंटी खिलाओ। अरे एक मिनट भाई, स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले है। ओह माय गॉड, अपने लड्डू गोपाल ले क्या भाई? भगवान अच्छा, सबसे पहले बगल में भगवान ही तो बैठी हैं भाई, उससे बड़ा भगवान कौन है? अदुबाल मत खेल, अदुबाल नहीं, वैसे बैठ गए ना। ये क्या है? प्लानिंग ये है, जब ज्यादा कुछ तो करने के बाद बर्थडे में, तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मैं चाह रहा था तुम्हारे साथ थोड़ा स्पेशल टाइम बिताना। क्या स्पेशल टाइम बिताना? लो 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 लो, देखो, और आज रात में तुमको यही पहनना है, क्योंकि बाहर जा रहा हूँ। आई वांट दिस। बाहर कहाँ जा रहे हो? कहीं भी बाहर जाएंगे ना दीदी। दीदी क्या घर आ रहे हैं सब लोग? तो भी यही पहनो, सब खोल लो ना इसको, बस फाड़ो, कोई नहीं यार, फाड़ लो, होपफुली तुमको अच्छा लगेगा। अरे भाई बहुत सही है भाई, अच्छा क्या लगेगा यार, बहुत सही लगेगा। अरे भाई तुम्हारे लिए महंगा, बात कर दी साले, तुम्हारे लिए फाड़ दूंगा। अरे क्या फाड़ दूंगा यार, इतना महंगे की जरूरत नहीं। अरे नहीं भाई, महंगा क्या होता है, मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ रहा था तो पेंस के लिए वाला कॉफी। ये थोड़ा पतला हो गया है ना, लेकिन अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी। एक तो ना इसकी रिंकल्स विंकल्स नहीं पड़ती ना, तो ये अच्छा लगता है। नहीं ये तो अच्छी लग रही है, ये सुंदर लग रही है। बस आंटी ने कंफर्मेशन दे दी तो क्या ही चाहिए। मैं जाने वाली थी एक टी-शर्ट। अच्छा लग रहा है टीचर ले। अरे मम्मी तेरी जरूरत तक पड़ी है, ठीक है तुम मेरा गल्ला खड़े हो, मैं बोल रहा क्या, 4-5 गिफ्ट चाहिए भाई, दे देता हूँ, कल ही देता हूँ तेरे को, था कल रहता तो सुमार दे दूँ। नहीं नहीं अभी आज के लिए काफी है, अभी अगले साल देखेंगे। हेलो, वाह 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 वाह, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे देखते रहे, कोई चीज लाया है। हैप्पी न्यू ईयर। देख अरे ले ले ले, ये पेंट उतार देगी मेरी गाड़ी। इधर 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 ये लो, हैप्पी न्यू ईयर ले ले। थैंक यू बोलो, वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर कौन बोलेगा? ले लो चाहिए तो चले गए तो अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस बार 33वें बर्थडे में तुमको बीवी गिफ्ट की जाएगी, बीवी का इसने इसने बोला है। अरे अपनी बीवी थोड़ी लेगा, एक्सप्रेशन देना वाव वाला। ओह वाव, पहले देखो दो देखो, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे फूंक रहे, फूंको पहले, उसको फूंको, नहीं वो वाला पहले फूंक फूंक, नहीं ये नहीं लगेगी, क्यों नहीं जाएगी, फूंक ना। अच्छा 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 अच्छा, ओ एक हमेशा मंदिर में जाती है। ओ माय गॉड, सो स्पिरिचुअल। यस वी आर भाई, देखना फटे नहीं अनार बाद में, बंद हो गया भाई, मेरे को भी लग रहा है। बर्थडे अरे पूरा बोलो यार, हैप्पी बर्थडे प्रिंस एंड आंटी। अरे आंटी भी काटी ना, बर्थडे चलो आंटी खिलाओ। अरे एक मिनट भाई, स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले है। ओह माय गॉड, अपने लड्डू गोपाल ले क्या भाई? भगवान अच्छा, सबसे पहले कहाँ लग रहा है? बगल में भगवान ही तो बैठी हैं भाई, उससे बड़ा भगवान कौन है? अदुबाल मत खेल, अदुबाल नहीं, बाल वैसे बैठ गए ना। ये क्या है? ये घोड़ा घोड़ा खेल रहा क्या? कैसे कर रहे?
नहीं व्लॉग में आया नहीं, फिर से करो रीटेक। केक का कैसे कहता तुम्हें? हाँ भाई हाथ से पैर नहीं छूते यार। ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसे छूता है, आशीर्वाद ऐसे लेते ना। पेट है नहीं, जबरदस्ती पेट कर लो। नहीं सही बात है, आशीर्वाद पता लगे कि मैं घोड़ी को पड़ चले। चलो चलो बारी बारी करके, अभी सबसे बड़े को खिलाया, अब सबसे छोटे को खिलाओ। आप सबसे छोटे ये ले लेना जो सबसे बुला रहे आपको। एक प्लेट उठा ले। बोल नहीं खा। ओह माय गॉड, नहीं खाना है। अच्छा खाओ, जल्दी खाओ। अच्छा मैं तुझे फिर वो चीज दे दूंगा। क्यों नहीं खा रही भाई? किंडर जो है आदू, आदू किंडर जो है पहले खा। मम्मा भाई अब पार्टी में नहीं है। कैसा है? शांति बन रही है। चंदी सावत अच्छे से शिमला को भी पसंद नहीं तुम्हें? कितना अंगूर है लास्ट वाले को? आधा कर दिया, देखा कितनी तेज है ये। आ चलो आ आया आ दो, ये सब ऑडियंस रेडी है। अरे आ आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी। वो आप वो है ना मम्मा के कहने पे कर दे। थ्री पक्का फाइव फाइव एक होटल करने पे किंडर जॉय जल्दी आ जा। अरे मम्मा की बेटी तू। अरे मैम को दिखाऊंगा मैं, आते ही नहीं, आता तो अब तक कर देती। यहाँ प्रैक्टिस कर दिखा चलो। एक तो कर दे एक। अच्छा किक मार। अरे तू किक कर तरह का, उन्हें कर रहे आगे। हाँ चलो अब आ जाओ, एक अब आ जाओ, चलो आ जाओ। देखा अब तूने किक के लगवा ना, तो बताऊंगा जब जब काट कर रखी किक। वेरी गुड। वन टू थ्री चलो चलो चलो। वाह वेरी गुड। ओह वाह ऐसे करते हो, घर जाओ, बाय बाय। अपने ही ब्लॉग देख रहे हैं। ब्लॉग के अंदर ब्लॉग चल रहा है, परेशान हो गया हूँ मैं। वो मेरा अंदर से करंट आ जाते तुम ही शी ऐसा बना था उसके अंदर तो बहुत ज्यादा भी भाई, बहुत का ज्यादा अजीब सा बनाया था। कुछ नहीं है, देखना ये देखना। तो जो लोग शेक का पाइप है उसको ये इज ऑल मतलब बंदा मैं चर्बी सोचता होगा पहले अगरबत्ती से मुझे ऊपर भेजते हैं। नहीं अगर मच्छर अगरबत्ती ऊपर सो रहे हैं तो पहले अगरबत्ती जलाएगा, अच्छा धुआं ऊपर जाएगा, फिर मच्छर नीचे आएंगे और नीचे आके इसमें भरेंगे। मतलब ये घर नहीं हो गया, ये पुणे का ट्रैक हो गया मच्छर के लिए। वहां जाएगा मर नहीं, यहाँ आएगा। भाई कैसे पता नहीं कैसे लगा कि ओ मैं काटू नहीं, मैं मरू। अगर आपने पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें जो शख्स है मैं नहीं हूँ। शख्स नहीं होता है, नहीं वो शख्स है। शख्स क्या होता है? शख्स अभी भी जो वो बंदा है बंदा ही, तुम पहले सही हिंदी बोलो।
जो पर्सन है अबे व्यक्ति व्यक्ति है अरे शख्स और शख्स नहीं शख्स 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 नहीं शख्स कुछ भी है भाई जो नहीं नहीं पर्पल शख्स पर्पल टी शर्ट पूरी बता जिसके ऊपर वो जो फूल लग रहे हैं वो भाई तेरा हो गया बकचोदी होगी तो इसको ऑन कर दे भाई भाई मच्छर आके चट चट बोलने चाहिए इस पे अगर एक मच्छर काटा तो प्लीज उसको यहाँ रख यहाँ खड़ा कर हम तीनों सर के पास सही बता रहा हूँ ये रात के जो अंधेरे में तुम्हारा दोस्त तुम कितने सुंदर लग रहे हो तुम्हें पता है इसको पास लाओ तुम्हारा दोस्त है एंटरप्रेन्योर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंटरप्रेन्योर या कभी एंटरप्रेन्योर बोलते हो कभी एंटरप्रेन्योर बोलते हो मैं कभी नहीं बोलता मैं आप ही ने बोला है वो सही सीखा है मैं तो एंटरप्रेन्योर बोलता था एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर जो भी हो यार जो भी हो कोई भी हो लेकिन ब्लॉगर नहीं होना चाहिए यार जहाँ कहीं भी कैमरा चालू हो जाता है तेरे स्वागत में भी मैं ही आऊंगा बेटे क्या करने ब्लॉग करने आंटी जी क्या कह रहा हूँ प्लीज इनकी शादी करा दो शादी कराओ और लड़की जो भी जिस लड़की के पास अगर ये सजेशन में ब्लॉग जा रहा है अगर डायरेक्ट कांटेक्ट शर्म आती है लड़कियों को ना डायरेक्ट अप्रोच करने पे प्लीज कांटेक्ट टू मी आई हेल्प यू ताकि तुम लेके सीधा फिर उनको यो ही मिलो एंड देन आई विल हैव टू चेक फर्स्ट मतलब बाय नेचर भाई तेरा दिखना नेचर नेचर देखूं कि बारिश हो वो पिघलती तो नहीं है मेरे से बोला मैं तो बोला भाई चल रहा है बोले नहीं भाई घर जाके ना जाऊंगा मैं क्यों बोला वहीं जाके नहाऊंगा मैं भाई हमारे यहाँ पे सनसेट दूसरा मिलता है ठीक है फिर बाद में मैंने पूछा भाई तेरा क्या सीन है बता दे उस हिसाब से प्लान बनाता हूँ मैंने क्या गलत बोल लिया फिर बोला अरे भाई भाई बुक कर रहा हूँ भाई आपके सामने क्या बात हुई थी क्या बात हुई एक बार ये बात हुई थी कि घर जाएगा ये वही रहेगा कौन ये हाँ फिर वापसी अगर उसको जाना ही होता वापसी अगर जाना तो वही नहीं चला जाता तो वही तो था तूने इसको वो समझ रखा है कि बस बैग झोला पकड़ने के लिए तो एक बार मेरे घर तक चल और उसके बाद चला गया भाई मैं रवि भाई ऐसे बोलोगे भाई भाई कुछ नहीं ये तो गलत बात है भैया आप साल थे तो क्या हुआ बाइक पे क्यों बैठा था बाइक तो उससे बैठे थे कि घर जाके वही रहोगे लेकिन अच्छा इसमें मतलब फॉर्मेलिटी में क्या हुआ रास्ते में मन बदल गया भाई तू बताना क्या सीन है तेरा भाई इसने 10 बार मेरे से बोल रहा था बोला मैं घर जाऊंगा मैंने बोला भाई क्या सीन है बैठने के बाद ही बोल रहे थे और क्या बैठने के बाद बोलो मैं मेरे पास में कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है मतलब सुना देता मैं से बोलोगे कि भाई क्या सीन है तेरा मैं क्या बोलूं भाई ठीक है घर जाना मुझे बता यार वो गलत बात है प्रिंस यार ये गलत बात है मतलब तुमने एक तरीके से उसको वो किया एंबैरस कर दिया नहीं ऐसे वो नहीं अच्छा नहीं खाओगे फॉर्मेलिटी ये नहीं खाओगे ना तुम जैसे 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 मेरी एक मेरी वो नहीं बताया था एक जगह पापा गए थे तो बोले भैया कॉफी बना दो पियेंगे अरे आए हैं तो बनाएंगे पियेंगे तो नहीं ना पियेंगे तो नहीं ना मतलब पूछ भी लिया और वो भी हो गया नहीं यार प्रिंस ऐसे चालबाजी नहीं करते बेसिकली प्रिंस का ये था कि तुमको भेजे हुए घर शायद तुम मतलब जूता उतर लिया उसके लिए इसका प्लानिंग ये था ये तो सही था पर लेकिन वो हो नहीं पाया फिर ये नहीं बोलता कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं मिला पहुंचने का ये अपने गिफ्ट के चक्कर में था अब ये चीज सोच रहा है देखो पूछो कह रहा है आपने, आपने अच्छा ये सीने आपने शब्द अगर शब्द देता ना तो जो कल तुमने इसको रील भेजी है उसका पहला पार्ट छोड़ के दूसरा पार्ट नहीं देखता तो पता नहीं क्या देख कौन कर रहा है कह रहा भाई ठीक है नहीं चाहिए जूते मेरे चलो ठीक है कौन कह रहा है जो रील भेजा था इससे कौन सा अरे वही दोस्तों को इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना नहीं करता भाई इस चीज के लिए अब भाई समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छा मेरे पास स्पेशली भेजी आपके पास नहीं भेजी है बंदे ने मेरे पास भेजी अभी शायद भेजा दिखा है बाद में भेजा लेकिन उसी टाइम भेजा पर लेकिन पहले मैंने देखा लेकिन पता क्या इसने इसका ये कहना है ये कह रहा है कि वो ड्रग्स और चाय उसका दारू के लिए कह रहा था कि भाई दोस्तों को नहीं करना चाहिए अगर मेरी दोस्ती है लेकिन तुमने वाला पार्ट देखा कि भाई दोस्त ज्यादा वो नहीं करना चाहिए फोर्स नहीं करना चाहिए जितनी उसकी औकात है अगर तुम अरे वो हाँ वो मेन था तो वो जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा फिर मैंने इसको फोन मैं भाई तेरे से जूते नहीं चाहिए ये बंदा ना पूरा बोला भाई ऐसा नहीं है जूते मिलेंगे मैं खुश भाई आज ही शाम को जूते आ रहे
तो फिलहाल क्या हुआ, वो मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा? अब कोई कंफर्म नहीं है, बर्थडे गया सब गया करा तो पार्टी हो गया तुम्हारी तरह नहीं करता क्या नहीं करता कि मतलब तुमने उसको दिलाया नहीं, खाली H&M घुमा के बाहर ले आया। मैंने जुबान दे दी, दूंगा तो जुबान 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 दे दी। चलो भाई अपना अब मुरादाबाद का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, आज हम चल रहे हैं मुरादाबाद, एक 10 मिनट ट्रेन है, फिर मुरादाबाद हल्द्वानी निकलेंगे और वहाँ से अगर बर्फ गिर रहा रवि के लिए वो बर्फ जो होता है ना भेजे मतलब प्यार से हल्द्वानी से 6 को मैं गोरखपुर पहुंचूंगा, तो तू 6 चल के 7 को आएगा। आजा, ये अच्छा लग रहा है व्लॉग में बस सुनने में, आओगे नहीं तुम लोग पता है। और ये आ जाए देखना, मैं जानता हूं भाई तेरे जूते माप, तू चल टिकट करा दो क्या जूते लेके आ, कोई जा ही नहीं रहा, कैंसिल प्रोग्राम ही कैंसिल भाई, तू जूते लेके आ। नहीं भाई अभी मत आ रहा है, बहुत खर्चे हो गए मेरे मैं तो आज जोड़ रहा था भाई, तो मेरे इतने नजदीक ना हो कि मैं तो बर्बाद कर दूंगा, तो हाँ ना रोका किसने है, बर्बाद हो ढाई साल हो गए तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं अब मुरादाबाद के लिए, 1:10 ट्रेन है और मुरादाबाद एक दिन स्टे करेंगे, गाजी के बड़े भाई छोटे भाई का वलीमा है मतलब रिसेप्शन है, उसके बाद हम निकलेंगे हल्द्वानी, क्योंकि मैं हल्द्वानी में गया नहीं, बस 1-2 दिन का ट्रिप एक छोटा सा मारना चाह रहा हूँ और हल्द्वानी से बैक टू गोरखपुर स्ट्रेट। सो अभी 2 सिटीज़ और व्लॉग पे बने रहना, होप यू लाइक इट, और इसके पहले वाला जो व्लॉग है आपने देख ही लिया होगा, सब चीज़ बढ़िया है, मिलते हैं।